ऐसा है यहाँ पे जो कभी फेल ही ना हुआ हो अपनी लाइफ में? क्या हम फेलियर्स को ढंग से डील करते हैं अपने अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में? जब हम फेल होते हैं और हमारे आसपास में लोग हमको बार बार उंगली कर रहे होते हैं, यानी कि रिमाइंड करा रहे होते हैं, हमको पता होता है कि हम फेल हो गए हैं, हमको जरूरत नहीं है दुनिया की कि वो आकर के हमको बार बार ये बताए या जताए कि तुम्हारा गलत था डिसीजन, कि तुमने गलती करी, हमें पता है हमने गलती करी है। तो आप बताओ कि आप कैसे हम फेलियर्स को डील करते हैं? फेलियर हम सबकी लाइफ में आया है, आप सबकी लाइफ में आया है। क्या होता है जब कोई फेलियर आता है? तो कोई बड़ा फेलियर है, छोटा फेलियर है, कुछ भी है। नंबर वन, अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा लगता है फेलियर? बुरा लगता है। ये रियलिटी है, ये इल्यूजन है? खत्म। तो मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। एज सिंपल एज दैट। इसको सिंपल करो सबसे पहले। तो कभी भी ऐसी एक्सपेक्टेशन अपने माइंड में मत बनाओ कि फेलियर तो हो लेकिन मुझे बुरा ना लगे। जैसे ही बुरा लगता है हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और क्या करते हैं? अकेले होते हैं तो रोने लग जाते हैं। रोने में कोई प्रॉब्लम है? समझ लेना इस बात को अच्छे से, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। बुरा लगा, बुरा लगने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरा लगने की वजह से रोना आया, रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप नहीं रोए, उन इमोशंस को अपने अंदर दबाए रखा, तो हो सकता है पागल खाने जाओगे। तो रो लो, रोने में क्या बुराई है? बच्चों को लगती है चोट, रो पड़ते हैं, कुछ बुरा लगता है, रो पड़ते हैं, फिर हंसने लग जाते हैं, तो रोने से कैसा डरना? तो बुरा लगना इज नॉट अ प्रॉब्लम, रोना इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमको प्रॉब्लम ढूंढनी है पहले, प्रॉब्लम क्या है। कहीं आप हो सकता है इन दोनों चीजों को प्रॉब्लम समझ रहे हो, कि बुरा नहीं लगना चाहिए मुझे फेलियर आए ना, मुझे बड़ा अच्छा लगना चाहिए कि मैंने 4 साल तैयारी करी किसी चीज की करने के लिए और मैं फेल हो गई, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे रोना क्यों आ रहा है? अरे आ रहा है, रो ना, 2 दिन तक रो, 4 दिन तक खूब रो। आंसू कितने हैं आपके अंदर? मतलब कभी तो खाली होंगे, कभी तो टैंकर खाली होगा। रो लो, अच्छे से रो लो। अब बताओ इसके अलावा हम क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? आसपास में लोगों ने क्या किया? हम रो रहे हैं अकेले में, क्योंकि सबके सामने तो रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे आसपास में लोग कहेंगे इतना बेवकूफ है, रो रहा है, इतना बड़ा होकर के रो रहा है, इतनी बड़ी होकर के रो रही है। और लड़कों के लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, लड़का होकर रो रहा है। अबे लड़का होकर के हमारी आंखें हो सकती है ना, आंखों में से पानी नहीं आ सकता क्या? मतलब सोचने वाली बात है ये, समझ गया ना? तो कितना प्रेशर होता है कि अकेले में तो हमारी वॉट लगी हुई है, दुनिया के सामने हम ऐसा दिखा रहे हैं, नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं? क्या हम एक्सेप्ट करते हैं फेलियर को? क्या हम फेस करते हैं फेलियर को? नहीं करते। क्या करते हैं? एक्सक्यूज देने लग जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सक्यूजेस। नहीं एग्जाम मुश्किल था, मैं क्या करूं, इस साल ही एग्जाम मुश्किल था, ये साल सबसे टफ आया था। या फिर अगर कहते हैं कि नहीं इस साल ना एग्जाम बहुत ज्यादा इजी आ गया था, हर साल टफ आता है, मैंने टफ के हिसाब से तैयारी करी थी तो परसेंटेज इतनी ज्यादा हो गई, समझे? क्योंकि इतना आसान था तो परसेंटेज इतनी ज्यादा हाई हो गई, मेरे इस वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। तो दोनों तरह से आप एक्सक्यूज दे रहे हो, एग्जाम आसान है तब भी, मुश्किल है तब भी, आपके पास दोनों तरह से एक्सक्यूज रेडी है। एक्सेप्ट नहीं करते, भागते हैं फेलियर से, ब्लेम करते हैं। किसको ब्लेम करते हैं? किसी को भी ब्लेम करने लग जाते हैं। ब्लेम करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, करते रहो ब्लेम, किसी को भी करते रहो अपने फेलियर। इस सबसे क्या होता है? ये सब सही है गलत है? ये सब गलत है। पकड़ में आ रही है ना बात? ये क्या सही है क्या गलत है? या तो हम अपने फेलियर से भागें, उसके बारे में बात ही ना करें। करते हैं ऐसा है? नहीं करते हैं। जब ग्रुप में होते हैं, कोई बात कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं? टॉपिक चेंज करो। या अगर कोई भी जरा से भी उस टॉपिक को छेड़ता है तो अच्छा नहीं लग रहा होता है अंदर से, हम उठ करके वहां से भागते हैं। कई बार ईगो हर्ट होता है, कोई मजाक उड़ा रहा होता है तो ईगो हर्ट होता है, यानी हम क्या कर रहे हैं? फेस नहीं कर रहे हैं ना उस फेलियर को। आपके पेरेंट्स, मैंने तुझे कहा था मत कर मत कर मत कर, समझाया था, फिर भी तू गोबर गणेश है, अंदर दिमाग ही नहीं है, मेरी सुने ही नहीं तूने, समझ गए ना? यही सब चीजें होती हैं, यही डायलॉग्स होते हैं। या फिर दोस्त होते हैं तो वो तो ले रहे होते हैं अच्छे तरीके से, है ना? 4-5 के साथ में बैठ करके, देखो आ गया इंजीनियर आ गया, चल मैं चाय बना के पिला, कुछ तो काम आएगा तेरे को, इंजीनियरिंग वाली चाय पिला दे, ऐसे होता है ना, यही सब बातें हो रही होती है। मतलब अच्छे तरीके से मजाक उड़ा, और हम क्या कर रहे होते हैं? हम या तो दोस्तों से दूर भागने लग जाते हैं, फेस नहीं कर रहे हैं, लड़ाई हो जाती है। समझ पा रहे हो ना हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं? इस सबसे क्या होगा? अंदर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। फ्रस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक किससे है? एक रेस्टलेस माइंड। माइंड और रेस्टलेस होगा या माइंड पीसफुल होगा? गिल्टी फील करेगा, गिल्ट आएगा माइंड के अंदर,
उस रेस्टलेस माइंड से कि आप अच्छे से अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाओगे या फिर एक पीसफुल माइंड से, पीसफुल माइंड से। तो अब पीसफुल माइंड का कनेक्शन किससे है? स्टेप वन, फेस इट कंप्लीटली विद 100% ऑफ योर हार्ट एंड माइंड, मतलब उस फेलियर की जड़ तक आप चले गए, फेलियर को बारीकी से आपने समझ लिया जैसे एक साइंटिस्ट समझता है अनबायस्ड होकर के। ये नहीं कि मैं फेल हुआ हूं, देखता हूं फेलियर क्या है, देखता हूं ये बंदा क्यों फेल हुआ है, अपने आप से डिटैच होकर के देखो उस फेलियर को, तब आप समझ पाओगे। मैं बीच में घुसा दिया तो नहीं समझ पाओगे, एक्सक्यूजेस दोगे, ब्लेम करोगे, भागोगे, सब करोगे, अपने आप को काट दो उस फेलियर से। देखता हूं ये बंदा, फॉर एग्जांपल संदीप, देखता हूं ये संदीप क्यों फेल हुआ है इसके अंदर, या जो भी आपका नाम है, पूजा बड़ा कॉमन सा नाम है, तो देखता हूं कि पूजा क्यों फेल हुई है, क्या गलती करी इसने। कहने का मतलब है कि पहला स्टेप है उसको फेस करना, दूसरा है टू एक्सेप्ट इट, कि अब हमारे सामने चाहे एक बंदा है, चाहे हजार है, चाहे लाख बंदे हैं, वो आकर के अगर हमारी तरफ उंगली करते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई तू फेल हो गया, तू फेल हो गई, हाँ मैं फेल हो गया, हाँ मैं फेल हो गई इस काम में, लाइफ में नहीं, आई एक्सेप्ट, यू फेस इट कंप्लीटली एंड यू कैन एक्सेप्ट ओनली इफ यू फेस इट, इफ यू डोंट फेस इट यू विल नेवर बी एबल टू एक्सेप्ट इट। देन स्टेप थ्री इज लर्न फ्रॉम इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप फेल हुए और उससे आप ढंग से सीख जाओ तो आप ग्रो कर गए, तो उस काम को करने का जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि पर्पस ही आप गलत बनाते हो अपनी लाइफ का, क्योंकि कभी कोई बैठ करके समझता नहीं है लाइफ को, ना कोई समझाता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि हमको कुछ पाना है, क्योंकि कुछ पा भी लिया आपने, जैसे अपनी लाइफ से रिलेट करना इस चीज को अगर समझ पाओ तो, मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूं। लाइफ का अगर आप गोल ये बनाते हो कि मुझे ये पाना है, तो वो जैसे ही आप पा लेते हो तो कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है, उसके बाद में यूज टू हो जाते हो फिर। तो कहने का मतलब है अगर आपने लाइफ का गोल ये बनाया कि पाना है, तो जो भी आपने पाया पता नहीं कितने साल स्ट्रगल करके, उसके बाद में जो आपको मिला उसका मजा कुछ देर के लिए रहने वाला है, कुछ दिन के लिए रहने वाला है। तो क्या ये समझदार तरीका है जिंदगी को जीने का? तो अगर लाइफ का गोल आपने पाने खोने से हटा करके, थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली समझ करके बना दिया कि मैं अंदर से क्या बन रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, कि मैंने ये पाया तो जो पाया वो तो गया, जो खोया वो भी गया, लेकिन इसकी वजह से मैं अंदर से क्या हो गया, दैट शुड बी द गोल। ये गहरी बात है अगर आप इसको पकड़ पाओ तो। बाहर आप फेल हो रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल हो रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से अंदर से क्या बन रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? मतलब अंदर से कैसा बनना है लाइफ में, कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे अंदर से डर पूरी तरह से निकल गया है, सब कुछ जीरो भी हो जाए तो मैं तुम्हारा ऐसे सब कुछ दोबारा से खड़ा कर दूंगा। ऐसा बनने में मजा है या बस किसी तरह से जुगाड़ करके, ये करके, वो करके कहीं पे घुस गए, कहीं पे जॉब में, और बस इसी डर में जी रहे हो कि मुझे निकाल दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसी नहीं है हमारी लाइफ, चाहे वहां से 50,000 आ रहा है, चाहे लाख आ रहा है, चाहे 2,00,000 आ रहा है, उसी हिसाब से खर्चे बांध लिए हैं, अंदर से सबकी फटी पड़ी है, मतलब सबकी लगी हाँ, मतलब अंदर से सबकी हालत टाइट है के, समझ गए ना, अंदर से डरे हुए हैं कि मुझे निकाल दे तो क्या होगा। मैं किस लाइफ की बात कर रहा हूं? अगर इस तरह से आप जी पाए, समझ पाए, अगर इन स्टेप्स को समझ करके, इफ यू फेस योर फेलियर्स, इफ यू एक्सेप्ट इट कंप्लीटली एंड इफ यू लर्न फ्रॉम इट डीपली, तो आपको समझ आया कि मैं पहले से ग्रो कर गया हूं। जब मेरी लाइफ में फेलियर नहीं आया था तो मैं एक्स था मान लो, अब मैं 2x हो गया हूं, या वर्जन इज अ बेटर वर्ड, आज की डेट में एप्स के वर्जन आते हैं ना, तो अर्लियर आई वाज 3.0, नाउ आई एम 4.0 बिकॉज ऑफ दिस फेलियर, अदरवाइज आई वुड हैव बीन 3.0 फॉर माय एंटायर लाइफ, मरते दम तक 3.0 को जलाया जाता, लेकिन अब या गाड़ा जाता व्हाटएवर, लेकिन अब क्या होगा, जैसे जैसे वर्जन मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है जलने में, गड़ने में, तो तब तक वर्जन होगा मान लो 100 कोई वर्जन होता है, इट्स गोइंग टू बी मिलियन पॉइंट व्हाटएवर, इन्फिनिटी, ये आया मजेदार वर्ड, किसने बोला? ये है ना मजा, इन्फिनिटी, किसको जलाया जा रहा है, किसको गाड़ा जा रहा है, इन्फिनिटी को, इसको वर्जन क्या है, इन्फिनिटी, समझे? आया मजा, ये लाइफ जीने में मजा है, या वर्जन 1.0, वो कब बना? जब इस कॉलेज से इसको डिग्री मिली, मरा कब? 1.0, तो मतलब वो एक्चुअल में पहले ही मर गया था, जब वो वर्जन, आप समझ गए, या 1.0 से मान लो 2.0 बन गया था, तो 2.0 पे ही वो मर गया था, खत्म, कुछ उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है उसकी लाइफ में।
एनी हाउ, यहां तक पकड़ में आ गई बात? तो लास्ट स्टेप क्या है? ग्रो आउट ऑफ इट. कैसे? मतलब जब सीख लिया तो ग्रो आउट ऑफ इट. ग्रो आउट ऑफ इट इस एटीट्यूड से जिस एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं. जो भी आपने किया अगर एक बहुत ही कन्फाइंड नजरिए से उसको देखा तो क्या हुआ कि मुझे ये करना था. क्यों? क्योंकि मुझे ये चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला और मैं फेल हो गई. इसी को फेलियर बोलते हो आप? Yes, sir. मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुझे ये करना था, जो चाहिए था, ठीक है वो तो चाहिए ही था, बट वो मिले ना मिले, दैट वॉज नॉट माई पर्पस. दैट वॉज माई गोल, बट दैट वॉज नॉट माई पर्पस. गोल और पर्पस में फर्क समझ आ रहा है? गोल वॉज कि मुझे ये काम करना है ताकि मुझे ये अचीव करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है. बट पर्पस क्या है? कि चाहे अचीव हो चाहे ना हो, अभी भी अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं है. अचीव हो गया तब भी मुझे आगे बढ़ते रहना है, नहीं हुआ तब भी आगे बढ़ते रहना है. इन बोथ द सिचुएशंस आई नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट. तो ये मैं बोल तो फेलियर्स के ले रहा हूं ये स्टेप्स, लेकिन ये है सक्सेस के लिए भी. लेकिन सक्सेस आप समझोगे नहीं तो मैं उसकी बात यहां पर नहीं कर रहा हूं. क्योंकि आप कहोगे सक्सेस मिल गई तो फिर क्या करने की जरूरत है, फिर तो पड़े रहो. यही है सोच लोगों की. जब तक सक्सेस नहीं मिली होती तड़प रहे होते, सक्सेस मिल जाती है कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. मेरे लिए सक्सेस फेलियर दोनों बराबर है, दोनों कचरा है. डस नॉट मीन एनीथिंग टू. ठीक है जी, हाउ टू डील विद योर फेलियर्स, तो जवाब मिल गया आप लोगों को. yes, चलिए जी अब अपने घर जाइए.